इस लड़की की किस्मत बहुत खराब है, बिल्कुल मेरी तरह। ये जो भी काम करती है तो उसका कबाड़ा हो जाता है। ये नहाने जाती है लेकिन बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है, और वो सुबह का नाश्ता तैयार करती है तो ब्रेड दीवार पर चिपक जाता है, और जब काम पर जाने के लिए साइकिल निकालती है तो पता चलता है कि साइकिल के टायर में हवा नहीं है, और जब हवा भरने लगती है तो पंप का हैंडल ही हाथ में आ जाता है। पर वो जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर हवा भर लेती है और अपने काम पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी इससे कोई काम ठीक से नहीं होता, और ये जो भी काम करती तो सब इसे गड़बड़ हो जाती। तो परेशान होकर मॉल का मालिक इसको बाहर काम करने को दे देता है, और जब वो शाम को रोड के किनारे सैंडविच खा रही थी तो एक बिल्ली उसके पास आती है। वो एक टुकड़ा उस बिल्ली को भी दे देती है और बिल्ली सैंडविच खाकर चली जाती है। तभी उसे एक कॉइन मिलता है जो कि उसी काली बिल्ली का होता है। उस कॉइन के मिलने के बाद उसके सारे काम जबरदस्त होने लग जाते हैं, क्योंकि वो गुड लक कॉइन होता है और मॉल में वो झंडे गाड़ देती है। लेकिन एक दिन वो गलती से उस कॉइन को फ्लश कर देती है, जिससे दोबारा उसके पीछे बैड लक पड़ जाता है। तब वो दोबारा उस काली बिल्ली का पीछा करती है। कई दूर पीछा करने के बाद वो बिल्ली एक जादुई पोर्टल खोलकर दूसरी दुनिया में चली जाती है, तो सेम भी उसके पीछे पीछे कूद जाती है। पर जब बिल्ली को पता चलता है कि वो लड़की उसके पीछे आ गई है, तो वो उसे चेतावनी देती है कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है और तुम चाहती क्या हो। तब सेम उससे कहती है कि मुझे एक और लकी कॉइन दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब बिल्ली कहती है कि मैंने तुम्हें कोई लकी कॉइन नहीं दिया, वो तो तुम्हारे सैंडविच के लालच में मेरी कॉलर से गिर गया था। अब तुम जल्दी से छुप जाओ, कोई आ रहा है। तभी यहाँ इंसानों की तरह दिखने वाले दो छोटे छोटे प्राणी आ जाते हैं, इन्हें इस दुनिया में लेप्रिकॉन कहा जाता है। और उनके जाने के बाद वो लड़की दोबारा से आ जाती है। वो लड़की बिल्ली से कहती है कि मैंने सुना तुम लोग किसी कॉइन की बात कर रहे थे, जहाँ से कॉइन मिलते हैं तुम प्लीज एक दिलवा दो। तो बिल्ली उसे कहती है बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ सिर्फ लेप्रिकॉन ही जा सकते हैं, कोई इंसान नहीं। तो सेम कहती है मैं लेप्रिकॉन जैसी एक्टिंग कर सकती हूँ। बिल्ली उससे तंग हो चुकी थी, तब मजबूरन बिल्ली उससे कहती है कि प्रोमिस करो कि जैसे ही तुम्हारा काम यहाँ से हो जाएगा तुम वैसे ही चली जाओगी। सेम उसकी बात मान जाती है और वो छुपते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। बिल्ली उसे एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर सेम बिल्कुल लेप्रिकॉन जैसी लगती है और कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। अब ये दोनों पेनी डिपो की तरफ जाने लगते हैं, पर सेम की किस्मत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है और वो रास्ते में ही लटक जाती है। पर आखिरकार सेम लटकते लटकाते पेनी डिपो के पास पहुंच जाती है। इन्हें वहां पर एक जेरी नाम का लेप्रिकॉन मिलता है। तो बिल्ली उससे कहती है ये भी एक लेप्रिकॉन है, इसे अंदर का नजारा तो दिखाओ। तो जेरी उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ पर लेप्रिकॉन पेनी को पॉलिश करके ब्रांड न्यू बनाते हैं, और एक मशीन चल रही होती है जिसमें सारी पेनी जमा होती है। पर सैम उसमें बटन डालकर पेनी लेना चाहती थी, लेकिन सैम को पेनी भी नहीं मिलती और उसका बटन भी मशीन में चला जाता है, और यहाँ भी वो कबाड़ा कर देती है। तो बिल्ली सैम पर भड़क जाती है और तभी जेरी भी वहाँ आ जाता है। तो सैम जेरी को बता देती है कि वो एक इंसान है और उसे एक पेनी चाहिए, क्योंकि उसने बिल्ली की पेनी टॉयलेट में फ्लश कर दी। तब जेरी उन्हें बताता है कि हम छोटे चालाक ड्रोन से तुम्हारी पेनी को ढूंढ सकते हैं, इसके लिए उन्हें गुड लक क्रिस्टल चाहिए। और वो तीनों लक फ्लो की ओर जाने लगते हैं, जहाँ सिर्फ गुड लक बनाया जाता है। और वो बिल्ली एक लकी क्रिस्टल को पकड़ लेती है और जेरी क्रिस्टल को लेकर ड्रोन में लगा देता है। तो अब ड्रोन पेनी ढूंढने के लिए तैयार है। सेम और बिल्ली उस पेनी को ढूंढ ही लेते हैं, पर तभी वहाँ कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है कि किसी ने मशीन में बटन डाल दिया है और ये काम तीनों में से किसी एक बिल्ली का है। तभी जेरी इनको बताता है कि ड्रोन पेनी लेकर आ गया है, पर जेरी के निकालने से पहले ही ड्रोन मशीन के द्वारा कचरे में चला जाता है। अब इन्हें इस ड्रोन का पीछा करना होगा जो गुड लक लैंड और बैड लक लैंड के बीचों बीच है। फिर ये लिफ्ट से जाने लगते हैं, तो सेम पता नहीं कौन सा बटन दबा देती है जिससे ये बैड लक में जाने लगते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी उल्टी होती है और अचानक सेम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है, और जैसे ही सेम लिफ्ट के पास पहुंचती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। तो बिल्ली उसे वहां से निकलने का रास्ता बताती है। इतने में लिफ्ट ऊपर चली जाती है तो सेम वहां के राक्षस से बचते हुए भागती है, पर यहां उसके साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। और आखिरकार सेम बिल्ली के बताए रास्ते से उसके पास पहुंच जाती है। अब वो दोनों बैड लक और गुड लक के बीच में पहुंच जाते हैं। यहां पर उन्हें एक यूनिकॉर्न जेफ मिलता है। वो दोनों जेफ ड्रोन के बारे में पूछते तो जेफ बताता है ड्रोन बहुत गंदा था और उसके पास एक पेनी भी जिसे उसने पेनी डिपो में भेज दिया, पर पेनी के लिए ड्रैगन तुम्हारी मदद कर सकती है। पहले मेरे भी पैरों से बैड लक धूल चिपकी रहती, पर ड्रैगन ने मेरी मदद की और पेनी भी दी जिससे उसका बैड लक धूल से पीछा छूट गया। तो सेम अपना दिमाग लगाती है और बैड लक के कण को अपने जूते के नीचे लगाकर ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। तो ड्रैगन उसे सुनकर छोटे खरगोश को बुलाती है। वो सैम के जूते से उस बैड लक को ले जाते हैं। तो ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी दे देती है, और सैम बाहर आती है तो कैप्टन ने बिल्ली को पकड़ लिया क्योंकि बटन पर उसके फिंगरप्रिंट मिले थे। पर तभी सैम उन्हें रोकती है और बिल्ली को पेनी वापस दे देती है। कैप्टन पेनी लेकर चली जाती है। ये देखकर बिल्ली सैम से पूछती है कि तुमने मेरे लिए पेनी क्यों दी। तो सैम बताती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया इसलिए कल्लू बिलोटे, लेकिन मेरे पास एक और प्लेन है। सैम बिल्ली को बताती है कि अगर बैड लक मशीन को ही बंद कर दे तो बैड लक धरती पर नहीं पहुंचेगा और सिर्फ गुड लक होगा तो कोई उसकी छोटी दोस्त हेजल को गोद ले लेगा। तो बिल्ली कहती है कि हम जेफ का क्या करेंगे, लेकिन अपने जेफ भैया तो आज कसरत के मूड में है। मौका देखकर वो दोनों मशीन को बंद कर देते हैं। फिर सेम धरती पर वापस आने लगती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन हेजल के अच्छे भविष्य के लिए ही लक लैंड गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर में हर कहीं बैड लक दिखने लगता है और पाइप बंद होने के कारण बैड लक एक जगह इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और बैड लक सभी जगह फैलने लगता है। यहां तक वो ऊपर गुड लक लैंड में भी फैल जाता है, जिस वजह से गुड लक की दुनिया भी अब बैड लक में बदल जाती है। इससे हमारी दुनिया में बैड लक फैलने लगता है और थोड़ी ही देर में बैड लक इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका धरती से कनेक्शन टूट जाता है। तो सेम उनसे कहती है कि सारी मेरी गलती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि ये एक इंसान है। और ड्रैगन सेम से कहती है कि हमारा घर उजाड़कर तुम्हें क्या मिला, तुम्हारी कबाड़ा किस्मत ने तो हम सबकी ऐसी तैसी कर दी। तभी सेम को याद आता है कि उसने नीचे बैड लक लैंड में गुड लक को देखा था। तो वो दोनों गुड लक लेने नीचे चले जाते हैं और नीचे इन सभी की ही किस्मत तो मेरी तरह बहुत ज्यादा खराब है।
फिर ये दोनों यहाँ से गुड लक लेकर ड्रैगन के पास चले जाते हैं और ड्रैगन इससे गुड लक स्टोन बनाती है जिससे कि सब कुछ पहले जैसा हो सके। और इनके स्टोन लगाते ही सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। तभी सेम भी देखती है कि उसकी छोटी दोस्त हेजल को भी एक फैमिली गोद ले लेती है। फिर ड्रैगन एक गुड लक स्टोन लेकर बैड लक वासियों को दे देती है और अब सेम बिल्ली और हेजल एक ही घर में रहते हैं, लेकिन इनकी किस्मत अभी तक खराब है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।